नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है दिनभर की बड़ी खबरों में से महत्वपूर्ण खेती किसानी की बड़ी खबरों का। किसान भाइयों, आप जो देख रहे हैं वीडियो में, ये बैगन की नर्सरी है जो कि हम बरसात के लिए अभी तैयार कर रहे हैं। बरसात के लिए हमें बैगन की खेती करनी है तो इसकी नर्सरी अभी तैयार कर रहे हैं। और ये जो बीज है आप देख रहे हैं, ये लोकल बीज है, हमारे घर का बीज है, देसी बीज है, लेकिन हाइब्रिड से कम नहीं है, हाइब्रिड फेल करता है ये। और आप देख सकते हैं ये लगभग एक बीघा के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं वो लास्ट स्टार्टिंग है, वहां से लेकर ये इतने एरिया में हमने इसको उगा दिया है। पहले इस क्यारी में हमारे प्याज थी, अब प्याज खुद गई, हमने नर्सरी तैयार कर दी। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं गिलकी लगी हुई है, तार बांस पर हमने लगाई है, गिलकी ऊपर ही है। गिलकी हमारी कैलेक्स कंपनी की है, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी आपको पहले बता ही दिया था। और गिलकी बहुत शानदार और अच्छी चल रही है। यदि आप जानना चाहते हैं कि गिलकी की साइज क्या है, कलर क्या है, तो हम आपको लाइव दिखा देंगे। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं बैगन की नर्सरी की। इसमें लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं और ये खरपतवार भी निकल आए हैं। तो हम इधर आए थे देखने के लिए, तो सोचा एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं और खरपतवार भी निकाल देते हैं। तो ये जो बैगन है इसको हमने अभी लगा दिया है, 12-13 दिन हो चुके हैं। लगभग हमारा इसको नर्सरी को तैयार होने में 20-25 दिन और लगेंगे। आप 30-35 दिन में बैगन की नर्सरी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये हमारी आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग 10-15 जून तक खेत में लगने के लिए तैयार हो जाएगी। और पानी आएगा 15 जुलाई के बाद, तो एक महीने पहले ही हम, बरसात के एक महीने पहले ही खेत में लगा देंगे तो आराम से हमारी ये फसल की, ये बैगन की जड़ें जमीन में पकड़ कर लेगी और फिर ये बरसात में गलेगी नहीं। और आप भी इसी तरीके से खेती कर सकते हैं। वेस्ट सीड्स कौन से हैं, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। तमाम तरह के वेस्ट सीड्स आते हैं, हाइब्रिड के आते हैं, और कुछ लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन अभी ऑनलाइन साइट्स, ई कॉमर्स साइट्स बंद हैं, तो शायद हो सकता है कि आप खरीद ना पाए, लेकिन जब चालू हो जाएगी तब आप खरीद सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका क्या रहेगा कि जो ट्रैक्टर की 5 फीट की 7 फीट की क्यारी रहती है उसमें आप क्या करें कि जो ट्रैक्टर के 5 पंजे रहते हैं तो आगे के 2 पंजों में एक छोड़ने के बाद एक, उसमें जो जूट की बोरी रहती है उसमें जूट की बोरी बांधे पंजों में, या फिर साड़ी बांधे, फट्टे बांधे, कुछ भी बांधे। तो उससे क्या होगा कि जब उसमें पंजा चलेगा खेत में तो बेड़ टाइप की बन जाएगी, उसमें 3 तो डोरी बनेगी, 2 बरा बनेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी खेत में जो बरा बन जाएंगे ना, तो बरसात में जब बारिश अधिक होगी तो पानी सारा खेत का उन बरों में से निकल के बह जाएगा और जो डोरियां बनेंगी वहां पर हम बैगन लगाएंगे। तो बरसात में बैगन की फसल गलेगी नहीं, और जब फसल नहीं गलेगी तो बरसात में हमारी फसल महंगी बिकेगी। तो यही मेन पर्पस है कि जब खेती कर रहे हैं तो कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमें सिर को पकड़ना ना पड़े। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसान की फसल नष्ट होती है तो उसके सारी मेहनत और अरमानों पर पानी फिर जाता है, और हम ये नहीं चाहते कि हमारा भी नुकसान ना हो और किसी का भी ना हो। तो बरसात में आप खेती करें तो कुछ इस तरीके से करें, या फिर कोई आपकी अलग एक्स्ट्रा टेक्निक है तो हमें भी बताएं और आप भी अप्लाई करें कि इस तरीके से फसल को बरसात में गर्मी से बचाया जा सकता है। और हाइब्रिड बैगन में आपके लिए कई तरह के मिल जाएंगे। जैसे आपको गोल में लगाना है तो गोल मिल जाएगा, जिसको लंबाई रहती है गिल की तुरई की तरह, उस तरह का आप लगवा सकते हैं। और कांटे वाला बैगन लगाना है या देसी सादा सिंपल लगाना है विदाउट कांटे वाला, तो वो आपको देखना पड़ेगा। गुलाबी आता है, व्हाइट आता है बैगन, और ब्लैक भी आता है। तो जो भी जैसा आपकी मार्केट में सबसे अच्छा बिकता हो वो आप लगाइएगा। हमारे यहाँ पे ब्लैक कलर का बैगन जो कि कांटे वाला रहता है, जिसे देसी बैगन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, और व्हाइट कलर का कम बिकता है। और जो लंबा बैगन रहता है 4-5 इंच का 5-6-7 इंच का, वो यहाँ पर नहीं बिकता। तो लंबे बैगन की जो प्राइस रहती है वो मान लीजिए कि 1 किलो 10 रुपए का बिकेगा, तो ये गोल कांटे वाला ब्लैक कलर का बैगन हमारा 40 रुपए का 1 केजी बिकेगा मंडी में, तो 4 गुना महंगा बिकता है। और इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम है कांटे वाले गोल ब्लैक बैगन का, और उधर व्हाइट वाले या ब्लैक वाले लंबे बैगन का प्रोडक्शन ज्यादा है। जब मान लीजिए कि आपके 1 बीघा में यदि 10 क्विंटल लंबा वाला बैगन निकल रहा है और यहाँ पर 4 क्विंटल निकल रहा है, तो वो 4 क्विंटल 10 का कवर कर रहा है और आपकी मेहनत कम लग रही है, लेकिन इससे अधिक प्रोडक्शन निकल जाता है। ये कम बताया हमने, ये हम ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। खेत में आए तो चलो खरपतवार भी निकाल देते हैं और आपसे कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं।
तो यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही है तो आप ये कुछ ट्राई करिएगा। और बैगन की एक ऐसी फसल है जो कभी घाटा नहीं देती किसान को, क्योंकि ये 4-5 महीने चलने वाली फसल है और एक सीजन में यदि मंडी में भाव नहीं मिला तो दूसरे सीजन में मिलेगा। पहले में मिल गया, हो सकता है दूसरे में ना मिले तो तीसरे सीजन में मिल जाएगा, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। गोभी की बात करें, कुछ किसान भाई बोल रहे थे भाई गोभी लगा दें, तो भाई हाँ गोभी के लिए आप तैयार कर सकते हो, गोभी भी महंगी बिकेगी। अभी तो गोभी पानी मोल भी नहीं बिक रही है, जहाँ 8-8, 10-10 रुपये 20-20 रुपये की पॉलोथीन बिक रही है 20-20 केजी की, यानी 1 रुपये में 2 किलो गोभी मिल रही है किसान की। तो किसान की तो लगत मेहनत सब कुछ भी नहीं निकल रहा है, वो तो मान लीजिए निपट गया किसान, बरसात में उसको जैसे तैसे भाव मिला तो वो अब यहाँ पे खत्म हो गया, तो ले दे के उसकी मेहनत बराबर हो गई। और कुछ किसान भाइयों ने बोला था भी हमसे कि फरवरी के महीने में कि सर गोभी लगा दें क्या, तो हमने साफ मना कर दिया था ग्रुप में कि गोभी लगा मत देना, अन्यथा आप जो बीज लेकर आओगे ना उतने की भी इनकम नहीं कमा पाओगे, क्योंकि गोभी बहुत ज्यादा लग रही है और बारिश भी अच्छी हुई है तो सभी की अच्छी होनी है। और समस्या भी एक ऐसी हो गई उसमें कि लॉकडाउन लग गया। अब हो सकता है कि भगवान किसी न किसी वजह से मना ही करवा दे, जैसे कि जब रावण और कुंभकर्ण और इन सभी भाइयों ने भगवान ब्रह्मा जी से कोई तपस्या मांगी, तपस्या करी और उनसे वर मांगे अमर होने के, तो माता सरस्वती जी उनके जीप पर बैठ गई और उनको सब उल्टे सीधे वर मिल गए, उन्होंने मांग लिए। तो ठीक वैसे ही होता है कि जब यदि भगवान किसी के माध्यम से भला करवाना चाहे तो कहीं ना कहीं मना करवा दी। हमसे कम से कम 15-20 किसान भाइयों ने पूछा कि भाई गोभी लगाएं या नहीं लगाएं, तो हमने साफ मना कर दिया फरवरी महीने में मत लगाओ गोभी, क्योंकि फायदा नहीं मिलेगा। और इधर मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की वजह से सभी की फसल चौपट हो गई, नष्ट हो गई। हमने भिंडी लगाई थी, हमारी भिंडी नष्ट हो गई, लेकिन गिलकी हमारी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में है, मजा भी आ रहा है, अच्छी है, बिक भी अच्छी रही है। आज की डेट में 35-40 रुपये पर केजी की गिलकी बिक रही है मंडी के अंदर, तो बहुत अच्छी निकल रही है। 1.5 बीघा की गिलकी है हमारी, तो यहाँ पे हमारे लिए फायदा अच्छा हो रहा है। और एक और किस्मत अब ये भी खराब है कि 19 मार्च को हमारी लाइट कट गई। गवर्नमेंट सरकार ने पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगाया, लेकिन बिजली वालों ने हमारी लाइट पे लॉकडाउन लगा दिया। बिल सब कुछ जमा होने के कारण भी हमारी लाइट नहीं जोड़ रहे, तार टूट गए, किसी जेसीपी वाला निकल के जा रहा होगा तो उसने जेसीपी फंसा दी तार में, तो वो तार 2 खम्भे टूट गए, तो बिजली हमारी नीचे पड़ी है, तो बिजली भी गोले भाई। भिंडी पानी मांग रही थी तो सिंचाई नहीं कर पाए, तो हमारी भिंडी की फसल चौपट हो गई। जैसे तैसे लॉकडाउन से बचाया तो वो इधर पानी नहीं मिला, सिंचाई नहीं कर पाए, तो भिंडी की फसल चौपट हो गई। तो समस्या सभी के साथ है कुछ ना कुछ, ये हमारी कुछ आर्थिक परेशानी है जो कि पर्सनल प्रॉब्लम है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो देखते रहिएगा, और नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल दिनचर्या की बातें वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको इसमें काफी जानकारी भी मिल जाए। हाँ, इसमें हमसे कुछ किसान भाई बोल भी रहे थे कि भाई यदि गिलकी लगाएं तो कौन सी लगाएं, तो आपके सवालों के जवाब यही बता देते हैं हम आपके लिए कि गिलकी कैलेक्स कंपनी की 1 नंबर फर्स्ट क्लास आती है। इसका लाइव रिजल्ट देखना है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम वीडियो में आपके लिए बता देंगे, क्योंकि ये जो खेत में देख रहे हैं ये कैलेक्स कंपनी की है। बीज प्राइस सब कुछ हमने आपको पहले बता ही दिया था, इस बार हम आपको लाइव रिजल्ट गिलकी बता देंगे। दूसरी BNR की गिलकी बेस्ट है, कैलेक्स और BNR की गिलकी लगभग 15-20 सेंटीमीटर तक लंबी लगती है। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेना अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। BNR और कैलेक्स कंपनी की गिलकी बहुत अच्छी है, इनके 2 कंपनियों के रिजल्ट हमने खुद चेक किए हैं। इसके अलावा तीसरी कंपनी कोई है तो उसके रिजल्ट हमने चेक नहीं किया, लेकिन हाइब्रिड में आपको मिल जाती है आपकी संतुष्टि के लिए, तो वो बहुत बेस्ट है। छोटी गिलकी लगानी है जो कि हर पत्ते के साथ में चलती है, तो नामधारी बेस्ट है, नाम से ही नामधारी बिकती है। 5-6 इंच की गिलकी उसमें रहती है और वह हर पत्ते के साथ में चलती है और 45 दिन में चालू हो जाती है, उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा रहती है। तो उसमें यदि आपकी मंडी में आपके यहाँ पर 4-5-6-7 इंच तक की गिलकी बिकती है तो नामधारी लगाना, और 10 इंच से ऊपर की लगती है मतलब बिकती है आपकी मंडी में, तो फिर आप BNR या कैलेक्स में से कोई सी भी लगा लेना, आंख मूंद कर मजा आ जाएगा भाई, कसम से दिल खुश हो जाएगा आपका। और कुछ भाई बोल भी रहते हैं कि भाई भिंडी लगाएं कि नहीं लगाएं, तो भिंडी का कहा नहीं जा सकता कि अब महंगी बिके या नहीं बिके, क्योंकि लगाने का जो टाइम था वो निकल चुका, आपको मार्च में भिंडी लगा देनी थी और अभी लगाओगे तो अब दोपहर है, महंगी बिके भी कि नहीं भी बिके। हाँ, गिलकी यदि अभी लगा दोगे तो बरसात में महंगी बिकेगी बिकेगी, तो आप गिलकी लगा सकते हो। गिलकी की हम बोल सकते हैं कि भाई महंगी बिक सकती है गिलकी, इतना अनुमान है हमारा, और हमने भी गिलकी लगा दी अभी।
गोभी आप लगा सकते हो, गोभी इस टाइम पे बीज आ गया है मार्केट में, वो लगा सकते हो, क्योंकि बरसात के स्टार्टिंग में ही चालू हो जाएगा और बरसात में तो फिर लगाते ही लगाते हैं। तो देखना यह है कि कौन किसान भाई अपनी फसल को बचा पाते हैं और कौन नहीं बचा पाते हैं। यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम खट्टी मीठी अच्छी कुछ छोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपका भी मनोरंजन होता रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भी होता रहेगा। बस आप सवाल करते रहिएगा, हम जवाब देते रहेंगे। और अब हम कम से कम डेली की 2 से 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, कुछ आपके सवाल होंगे उनके ऊपर जवाब लेकर वीडियोस बनाया करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि आपको लगता है कि वाकई में मजा आ गया वीडियो देखने के बाद, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। और आप कैसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।